हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम सलवार की कटिंग करना। सलवार की कटिंग करना हर किसी को नहीं आता है, तो आज आप इजी तरीके से यानी कि आसान तरीके से सलवार की कटिंग सीख जाओगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिसके लिए मैंने ये 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये मेरा सैंटून का कपड़ा है। सलवार के लिए काफ़ी अच्छा होता है, देख ही सकती हैं इसमें हल्की सी शाइनिंग है और बहुत ही मतलब जो इसकी सलवार बन के आएगी मैं लास्ट में उसका पिक लगा दूँगी। वैसे ये येल्लो कलर है लेकिन वो लाइट ज़्यादा थी तो इसलिए ऑरेंज दिख रहा है ये, लेकिन ये येल्लो कलर था। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से हम अपने पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया 40 की सलवार तैयार है, 36 कमर है, ये कपड़े की लंबाई चौड़ाई है। अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे लंबाई वाली साइड से और इसमें से हम अपने पार्ट निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले मैंने इसको 2 तह में किया, ठीक है, आ रहा है ना आपको समझ में? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने इसको सिंपली 2 फोल्ड किया। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप ये मत सोचिएगा कि चौड़ाई इतनी लेनी है, इसमें से चौड़ाई भी हम कम करेंगे, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा देखिए वीडियो को कि कैसे कम करनी है। अभी आपको क्या करना है कि इस कपड़े को उठा के और दूसरी साइड पलटना है। मैं थोड़ा धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी सेम कर सको। आप किसी रफ़ कपड़े पर ट्राई कीजिए। अभी ये कितनी तय है अगर हम गिनेंगे तो अभी ये 4 तय हैं, यानी कि कपड़े को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। हमें कितने पार्ट चाहिए होते हैं, हमें 2 पार्ट और हमें 4 कलियां चाहिए होती हैं। तो यहाँ से जैसे कि हमारी 40 की सलवार तैयार है तो यहाँ से जो हम लंबाई ले रहे हैं वो 35 यानी कि 35 इंच ले रहे हैं मार्जिन समेत। तो यहाँ से आपको, अगर आपकी हाइट कम है तो आपको कली पार्ट की लंबाई 30 इंच लेनी है या फिर 31 इंच, जितनी भी आपकी हाइट है आप ऊपर भी इंच टेप को 7 इंच निकाल के रख के तब भी निशान लगा सकती हैं। तो ये हमने पार्ट के लिए निशान लगा लिया है। अब हमने जो बचा फैब्रिक है उसको साइड में, अभी हमें इसमें से कपड़ा कम करना है। तो कैसे कम करना है वो आप देखिए, क्योंकि इतना चौड़ा थोड़ी नहीं रखेंगे हम पार्ट। अब हमें जितनी अपनी मोहरी रखनी होती हैं उसमें सिर्फ हमें 2 इंच ज़्यादा लेना होता है। अभी हमने फिर से कपड़े को फोल्ड कर लिया है 4 तह में ही, साइड में सिंगल कपड़ा मैंने बचा दिया है। जैसे कि मेरी मोहरी की जो चौड़ाई होगी वो 6 इंच की होगी, तो उसमें मैंने 2 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि जब हम कली और पार्ट को जोड़ेंगे तो उसमें भी हमारा कपड़ा जाएगा और जो बिगनर्स होते हैं उनसे तो ज़्यादा ज़्यादा जुड़ता है, तो इसीलिए मैं 8 इंच बता के चलती हूँ। तो यहाँ से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अभी हमें 2 पार्ट चाहिए तो इसको खोल के और हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। हमेशा 2 पार्ट और 4 कलियाँ चाहिए होती हैं, आप ध्यान रखें ये चीज़ अच्छे से। अभी हम क्या करेंगे, जो ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली साइड से हम इसको कट कर देंगे तो ये हमारे पास 2 पार्ट हो जाएंगे। और जो मैंने अभी कपड़ा बचाया है उसे हम अपनी बेल्ट में यूज़ कर लेंगे, जो हमारा इसमें जॉइंट आएगा नाड़ी वगैरह में या मोहरी वगैरह में, सब में यूज़ हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला जो है, ये वाला कपड़ा है, इसको फिर से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने 2 फोल्ड किया और 2 फोल्ड करने के बाद अभी हम यहाँ से अपनी लंबाई लेंगे। जैसे कि हम 7 की अपनी बेल्ट तैयार रखेंगे तो उसमें हमें नाड़े के लिए भी कपड़ा चाहिए होगा, तो मैं इसमें 9 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें नाड़े के लिए नेफा फोल्ड करूँगी। तो यहाँ से हम 9 इंच पर ऐसे पूरे में निशान लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से इसको पूरा अब हम सीधा कर देंगे, ये छोटे छोटे निशान लगा के, और अभी सभी डॉट को मिला के हम ऐसे स्केल की हेल्प से। और ध्यान रखें कि जो सलवार की जो कटिंग होती है वो सबसे मेन होती है। स्टिचिंग का वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ये हमारी पार्ट बेल्ट भी कट हो गई है। सबसे पहले हम अपने पार्ट कट करते हैं, फिर बेल्ट कट करते हैं, फिर कली कट करते हैं। तो हो गई ना, ये देखिए। अभी हमने चौड़ाई बतानी है आपको कि आपकी जितनी भी कमर है उसमें आपको 5 इंच और ऐड कर लेना है। तो जैसे मुझे इसमें लगभग 3 से 3.5 इंच कपड़ा और ऐड करना होगा, यानी कि उसमें जोड़ना होगा। तो मेरा जो कपड़ा बचा था मैं उसी में से जोड़ लूँगी। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा कपड़ा और निकाल लेती हूँ 4 इंच के बराबर लगभग, क्योंकि जो इसकी मैं मोहरी बनाऊंगी वो मैं थोड़ी चौड़ी बनाऊंगी। तो यहाँ से हम इस 4 इंच कपड़े को अपनी मोहरी के लिए निकाल रहे हैं और जो हमारे पार्ट में से कपड़ा बचा था
जो हमने पार्ट कट किए थे तो साइड में से बचा था, तो उसे हम अपनी बेल्ट में यूज़ कर लेंगे और नाड़े में यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक बड़ी पट्टी आ गई है जिससे हम अपनी दोनों मोहर इजीली बना सकते हैं। अभी हमारे पास ये पूरा कपड़ा बच गया है। अभी पहले इसको क्या करना है, इसको हमें दो तह में फोल्ड करना है। तो कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है जैसे हम साड़ी की तह लगाते हैं, तो पहले हम दो फोल्ड करते हैं, फिर हम चार फोल्ड करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही फोल्ड करने हैं। जैसे हमने पार्ट में चार तह में आप गिन तो सकती हैं ना, जैसे एक दो तीन चार, तो इसमें सिर्फ दो ही करने हैं। ये देखिए, सिर्फ मैंने दो तह में कपड़े को बिछा लिया है। ये कपड़े की लंबाई है, ये कपड़े की चौड़ाई है, अच्छे से आप देख लीजिए। अगर कपड़ा कहीं से भी आड़ा टेढ़ा है आपका, तो उसको बराबर कर लीजिए ताकि वो उसकी जो कली हैं वो एकदम हमारी बराबर आए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि हमें इसमें आसन पे निशान लगाना है। एक साइड आसन की खुली आएगी, एक साइड आसन की बंद आएगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और फिर तिरछा निशान लगेगा। तो यहाँ से मैं, ये देखिए, यहाँ से जो मैं आसन ले रही हूँ वो मैं यहाँ से अपना, जैसे कि हमारी बेल्ट, इसमें बेल्ट भी ऐड होगी और हम ऐसे नापेंगे तो हमारा 15 से 16 इंच का आसन बैठेगा। ठीक है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से अपना आसन है जो वो 7.5 से 8 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ से मार्जिन समेत है जो वो, जो अपना मार्जिन लगा के 7.5 ले रही हूँ। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो, ये थोड़ा मैं पतली के लिए बना रही हूँ, अगर आप हेल्दी हैं तो इस केस में आप 8 से 8.5 इंच लीजिए। अब उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, अभी मैंने एक कोना पकड़ा, अभी मैं दूसरे कोने पे भी सेम ऐसे ही निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, मैं इंच टेप को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर दिख जाएगा। अभी देखिए, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइंट कर देंगे। आप देख ही सकती हैं सलवार इसकी बहुत घेरदार बन के आएगी, क्योंकि कलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा कपड़ा बच गया है। हमने सिर्फ थोड़े से कपड़े से ही बेल्ट और कलियाँ कट कर ली हैं। तो देखिए, मैंने स्केल को भी रख दिया है और मैंने इंच टेप को भी रख दिया है, आप देख सकती हैं। इसी तरीके से आप इसका स्क्रीन शॉट लेके फिर पेपर पर या आप कपड़े पर ट्राई कीजिए, निशान लगा के देखिए, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही आपकी कभी सलवार घूमेगी। जैसे कमेंट आती है कि हमारी सलवार बनने के बाद घूम जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये वाला तरीका यूज़ कीजिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। पहले इसको थोड़ा सीधा कट करके और फिर ऐसे सीधा कट कर देना है, उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें कट कर देना है। तो दो कली तो मेरी इस साइड से निकलेंगी और दो कली मेरी दूसरी साइड से निकलेंगी, तो टोटल हो गई 4 कलियाँ। तो इसको पूरा, अब आपको इसमें एक तो आसन वाली साइड बंद मिलेगी, यानी कि बंद वाली साइड से, और एक आपको कली वाली साइड। अब इनको आपको खोलना है, क्योंकि ये हमें चारों अलग अलग चाहिए, क्योंकि पार्ट के साथ इनको हमें ज्वाइंट करना है। तो बीच में पार्ट को रखना है और साइड में कली को रखना है। तो ये देखिए, और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ। जैसे कि हमने अपने पार्ट की लंबाई ली थी 35 इंच, अगर बाई चांस आपकी कली की लंबाई कम बैठ रही है पार्ट से 3 इंच 4 इंच, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी सलवार बहुत अच्छी बनेगी। अगर आपकी पार्ट और कली की लंबाई बिल्कुल बराबर बैठ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम बैठ रही है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद देखिए, मेरी जो इसकी कली की लंबाई है, इससे पार्ट से लगभग 2.5 से 3 इंच कम बैठ रही है, लेकिन फिर भी सलवार तो बहुत अच्छी बन के आती है ना, मैं पहन के भी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि अगर कली ऊंची हो जाती है, कली ऊंची है और पार्ट बड़ा है, तो इससे कोई भी इस चीज़ से लेना देना नहीं है। सलवार का लुक होता है साइड से और प्लेटों से। अगर प्लेट अच्छे से भरेंगे, तो मैंने एक सलवार की वीडियो डाली है जिसमें मैंने प्लेट भरना सिखाया है नीचे ज़मीन पर रख के, ग्रीन कलर की सलवार है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे फॉलो कर सकती हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अनुज कुमार स्टिचिंग ट्यूटोरियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका सिलाई का वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, कहीं पे समझ में ना आए तो।